सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल लव माना। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सबको राम राम, सबको सत श्री अकाल। तो और जैसे कि भाई आज थर्सडे, तो भाई सबको ओम साई राम। तो भाई दिन की शुरुआत करते हैं, पहले मंदिर चलते हैं, मंदिर के बाद भाई मत्था भी टेक लेंगे क्योंकि नवरात्रे चल रही हैं। अपने ओम साई राम जी को भी मत्था टेक लेंगे और अपनी जय माता दी बढ़िया भाई माता के भी मत्था टेक लेंगे एक बारी। फिर उसके बाद ऋतिक भाई आ रहे हैं, उनके साथ कुछ खाते पीते और जो भी प्लान होता है तो आपको बता दिया जाएगा। और भाई कल से लेकर अभी तक भाई मेरा बहुत ही ज़्यादा मूड ख़राब है क्योंकि यार कल कुछ भी व्लॉग नहीं बन पाया बिल्कुल भाई, बिल्कुल भी व्लॉग नहीं। मतलब वही फिर ज़बरदस्ती वाली बात होती कि मैं कुछ ज़बरदस्ती बस डाल देता कि डालना है तो डालना है। भाई मेरी स्ट्रीक चल रही थी इतने टाइम से, लगातार मैं रेगुलर व्लॉग डाल रहा था, मतलब 120 125 एपिसोड हो चुके होंगे या 115 पता नहीं, बट भाई स्ट्रीक टूट चुकी है, एक दिन बीच में छूट गया और इतना मेरा मूड ख़राब होता है आप सोच भी नहीं सकते। मैं सुबह से 10 बार इंट्रो शूट कर चुका और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। कोई नहीं भाई, कभी कभी डाउनफॉल हो जाती है, मूड वूड बीटी हो जाती है, तो कोई नहीं भाई अब नीचे उतरते हैं, अपना थोड़ा मूड चेयरअप करते हैं। मेरा सुबह से बहुत ही ज़्यादा लो रखा है मूड, तो कोई नहीं कभी कभी होता है, अपना चेयरअप करते हैं मूड और नीचे उतरते हैं। चप्पल का है तो आज लिया, 1200 की मेरे को तो सबसे पहले रूट आज लिया। आज सही कह रहा है, ये एडिडास वाली पहन ले। अबे ऐसे 4 एडिडास मिलते हैं मेरे को इंदर लोग मिलते हैं। तुम जैसे दोस्त हो के भी कंटेंट नहीं बन पा रहा, बताओ भाई। मैं बिजी होता हूँ बंदा, मैं तेरे को पता ही है, पहले मैं फ्री होता था सारे दिन, जो कंटेंट ही होता था। क्या कंटेंट होता था? घंटा कंटेंट होता था। तुम मिलते हो नहीं, तुम्हारे पास टाइम है नहीं भाई। कल से तू आ जा, मैंने तेरे को मना करा है। कहाँ इंदर लोग कंटेंट बनाने? 30,000 सैलरी प्लस इंसेंटिव प्लस बोनस। अच्छा तू मेरे को दियो। अच्छा सैलरी पे रखू मैं तेरे को कंटेंट बनाने के लिए? और क्या भाई, देखो साथ कंटेंट मिलेंगे रोज के रोज, नए नए कंटेंट, वो भी विदाउट गाली, हर एक कंटेंट मिलेगा। येलो डॉलर आ जाएगा? नहीं तो येलो डॉलर वैसे ही बड़ा फेमस है आजकल। पता नहीं येलो डॉलर, अब इधर रैंचो नोट नहीं देखने को रहा, लोगों को डॉलर मिल रहे हैं। समझ से बाहर। अबे कहां है अपने बंदे? कस्टमर मिल गया, पेमेंट कराओ फटाफट, चले फिर पीसीसी। 80 उसने बोला, 80 तू ले ले कोई दिक्कत नहीं। मैसेज से बोला भाई मैं 81-82 तो कटवाता ही उससे, फिर अगर मैं बता दूंगा तेरे को, मेरे को दे दे 80 का दे रहा हूं, बता दे। ओए अब तुम के, तूने भी लेना है? हां तूने भी लेना है? नहीं मैं सुबह बता। अब बता दो कस्टमर है कितने का? 78 का ऊपर जो 82,000 देगा फोन उसका। ये तो अभी दे दे, कर गूगल पे फोन ले ले, फोन दे अभी दे, अभी हाथों हाथ कह रहा है। हां खाली कर, बिल दे खाली कर, बिल थोड़ी होता है, इंस्टेंट काम है यहां। फोन तो दिखा यार, चलाने को भाई 14 प्रो मैंने देखा है यार, खोल के दे, नहीं देख रहा तेरी बंदे की फोटो भाई, है होनी तो चाहिए तेरी, इंटरनेशनल बंदियों की फोटो नहीं देख रहा भाई। वो मोती नगर की हवा में भाई एक जुआ और दूसरा वाकई बता देगा, दुआ वो तो है दादा भाई। चाहिए रेड बुल चिल्ड देना कि भैया सस्ती वाली रेड बुल देना, हेल हेल भाई से पहले पैसे अलग निकलवा ले रेड बुल के, हमने वो पीनी है कांच वाली भाई, तुम्हारी मर्जी है भाई, कंपनी है, हमने ये पीनी थी ये वाली भाई, मेरे को तो 30 की बड़ी, 4 बंदे शेयर देने वाले, इंडियन वाली है ये रेड बुल, मतलब सस्ती वाली है, इंडियन वाली 60 की आती है। 60 की? 60 की कब से आने लगी रेड बुल यार? मैं बताता हूँ जो करण ने काम कराना इसका, वो बता रहा था नहीं ये इम्पोर्टेड वाली है, ये 100 रुपए की आती है, जेन्युइन 100 की आती है, ये ले। क्या कर रहा है? कितनी रुक जा, कर फोन कर, पहले क्या कह रहा था? 60 की है। प्राइस ये कौन है भाई? इसके बाप का आलू का काम है ना। ओए करण ये जो अपनी रेडबुल आती है जिसकी एमआरपी नहीं लिखी होती, वो कितने की पड़ती है अपने को? अपने हाँ मतलब तू कितने की खरीद के आता है ये बता भाई, बताएगा यहाँ पे बहसबाजी होगी, शर्त लगी है, तू बता तो सही कितने की आते, तू बहन जो मुंह में मच्छियां मत पकड़, बता कितने की आती। अबे एक कितने की पड़ती है अपने को? एक अपने को 2200 से कर ले उसको डिवाइड, 2200 को 24 से डिवाइड कर, सीधा मैथ्स आती नहीं है तुम्हें, 2200
90 की तो इतने की तो फायदा क्या हुआ, महंगी पड़ती है तो सीन लिख लिया। आप सीन तैयार है भाई? मैं बता तो रहा हूँ, करेक्टर है तू मूवी में ही ना, मूवी बना रहे हैं नेटफ्लिक्स पे। हाँ सब्सक्रिप्शन नहीं है नेटफ्लिक्स पे, दे दूंगा दुकान का क्या खिला रहे हो, टेस्ट रिव्यू दे दूंगा दुकान का क्या खिला रहे हो फ्री में। गाइस अभी ये खा के आपको टेस्ट रिव्यू देते हैं और आपको एड्रेस वगैरह बताते हैं कहाँ पे है। बहुत ही बढ़िया भाई चाप, अब खाने पे कॉन्सेंट्रेट करने दो। 5,000 रुपए ले लेंगे भैया, ठीक है पब्लिसिटी के 5,000 रुपए ठीक है, चाप ही खिला दें एक, फ्री बहुत है मैंने मूली तो डाला। कौन से कॉम्बिनेशन है, चाप कुरकुरे रेडबुल? दूसरी चाप को टाइम लग रहा है, हाथ नहीं रुकना चाहिए और मुंह है ना, खाते टाइम नहीं। अच्छा आओगे ना स्टोर में एक दिन बीच में। टैग फूडी फूडी ये हरी मिर्ची कटवा दूं, प्याज लूंगी, प्याज टमाटर स्टार्टिंग से लिखता हूँ, गंदा लग रहा है, पेज भी तो अच्छा होना चाहिए भाई। बोल एक तेरी बंदी को सुना दे, अरे कॉपीराइट कर दूंगा तेरा चैनल वाला, कंटेंट शेयर कर रहा है तुम्हारा, कंटेंट शेयर कर रहा है भाई। अरे भाई ये देख तेरी बंदी को सुना दे रहा हूँ। अब तो गाइस फाइनली जो इतनी देर से हम कर रहे थे ना, कम से कम भाई इसको 4 से 5 घंटे लग गए भाई। पूरी अपनी स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है बट इसका टाइटल हम आपको अभी नहीं बताएंगे। आप फटाफट से पहले 1K सब्सक्राइबर कराओ, 1K सब्सक्राइबर के बाद भाई फटाफट से भाई एक बहुत ही बढ़िया हम प्लेलिस्ट बनाएंगे। स्क्रिप्ट भाई तैयार हो चुकी है, मेरे को बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है कि कब से भाई ये स्क्रिप्ट का शूट वगैरह तैयार होगा। बहुत ही बढ़िया बढ़िया करेक्टर्स हैं, एक नंबर भाई स्क्रिप्ट बनाई है और मज़ेदार भाई आप देखोगे ना, आप अभी से भाई क्यूरियोसिटी में होगे कि भाई क्या आ रहा है क्या आ रहा है। भाई बहुत ही मज़ेदार चीज़ आने वाली है, स्क्रिप्ट पूरी तैयार हो चुकी है। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ क्योंकि भाई मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ। बस मोस्ट प्रोबेबली एज सून एज पॉसिबल भाई बढ़िया सा वीडियो शूट वगैरह तैयार होने वाला है। बिल्कुल सब कुछ सेट हो चुका है, सारे करेक्टर वगैरह बन चुके हैं। भाई थोड़ा मूड ख़राब था, थोड़ा गया बहुत ही ज़्यादा मूड ख़राब था, सुबह उठते कुछ नहीं खाया, शाम तक भाई यही सोच रहा था व्लॉग नहीं बना यार क्या डालूंगा, व्लॉग नहीं बना। इतने महीनों से मतलब मैं रोज़ डाल रहा था, डेली मतलब होता है ना डेली, मेरी तबीयत ख़राब होती थी, बुखार भी होता था, फिर भी भाई मैं व्लॉग बनाता था डालता था, क्योंकि भाई मैंने इसको अब अपने एज अ काम ना एक्सेप्ट कर लिया था कि ये मेरा काम है, तो काम से भाई छुट्टी लेने का ना मन नहीं करता, मेहनत से पीछे हटने का भाई बिल्कुल मन नहीं करता। कल भी भाई बहुत कोशिश करी बट फिर वो ना ज़बरदस्ती वाला व्लॉग बनता कि मतलब आपको क्या लगता कि भाई ये क्या डाल दी, ये कंटेंट तो है नहीं, व्लॉग तो है नहीं, बस ऐसे शूट करके वीडियो पाइल अप करके डाल दी। बट नहीं भाई, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं भाई चीज़ डालेंगे तो अच्छी डालेंगे। आज भाई इंस्टा पे भी मैसेजेज आए और जिन जिन से बात हुई ऐसे फ़ोन पे सब बोल रहे कि भाई वेट ही कर रहे थे कि अब व्लॉग डलेगा व्लॉग डलेगा। पापा भी कैफे आए, पापा ने मतलब कैफे से आके पूछा कि लव मैं पूरे दिन वेट कर रहा था कि तेरा व्लॉग डलेगा, तेरा व्लॉग नहीं डाला। मम्मी वगैरह को भी नहीं पता था कि मैंने कल व्लॉग नहीं डाला, मम्मी भी पूछ रही थी तूने व्लॉग नहीं डाला अभी तक व्लॉग नहीं डाला, दोस्त वगैरह भी पूछ रहे थे, फिर दोस्तों को बोला कि भाई नहीं व्लॉग वगैरह नहीं बना, तो भाई वो सारे आ गए मूड वगैरह चेयर अप करने, तो भाई बहुत अच्छा लगा, मज़ा आ गया। बाकी स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है, इस सब के लिए आपको भाई स्टे ट्यून्ड रहना पड़ेगा। तो भाई बाकी अब ऊपर चलते हैं, व्लॉग वगैरह एडिट करते हैं और टाइम से सोने जाते हैं और कल टाइम से उठते हैं। और भाई एक दिन ही छूटा था, अब आपको भाई आगे से ये शिकायत कभी नहीं मिलेगी, एक दिन भी ऑफ नहीं जाएगा, रोज़ व्लॉग डालेंगे रोज़। एक दिन के लिए भाई आप सबसे माफ़ी है, इतना तो भाई कोई नहीं चलता है कभी कभी। सोचो भाई अपना छुट्टी ले ली हमने एक दिन की, थोड़ा ब्रेक ले लिया, बाकी फटाफट अब चलते हैं भाई अपना ऊपर सोते हैं टाइम से, ज़्यादा मूड वगैरह नहीं ख़राब करते, ठीक है। आप सबको भाई दिल से भाई प्यार है, दिल से भाई सबको लव यू है और सबको भाई थैंक यू सो मच भाई सपोर्ट करने के लिए, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है जब आप ऐसे सपोर्ट वगैरह करते हो। और फटाफट से 1K सब्सक्राइबर करा दो और आप लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो, और जिसने अभी तक बेल आइकन नहीं प्रेस किया वो बेल आइकन भी प्रेस कर दो कि जैसे ही व्लॉग डालेंगे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और मैं बोल रहा हूँ रोज़ व्लॉग डालेंगे तो आपको रोज़ नोटिफिकेशन आएगी और रोज़ आपको प्यार बरसाना है व्लॉग्स वगैरह पे। तो आप सबको मिलते हैं आप सीधा कल, आप सब अपना ध्यान रखें, जय माता दी।